हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द एग्ज़ाम हेल्पर। जैसा कि आपको पता है कि मेरी दो सीरीज चलती है ईएमआरएस के एग्ज़ाम के लिए, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल सीरीज मैंने ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करा दी है। अगर आपको मेरी जो थ्योरेटिकल क्लास है वो देखनी है मैथ्स के लिए, तो आप दी एग्ज़ाम हेल्पर जीके पर जाकर के उसे विजिट कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं मॉक कराने आता हूँ। ये है मेरा मॉक नंबर 6 और ये पेपर जो है वो किसका है, केंद्रीय विद्यालय का प्रीवियस ईयर पेपर है, जो जेएसए का अभी 2023 में लेटेस्ट में हुआ था। ये सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया था और ये वाला जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम है वो भी सीबीएसई कंडक्ट करवाने वाली है। तो मुझे जितना लगता है कि पेपर सेम का सेम इसी पैटर्न पे रहने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले मैं 5 नंबर की मॉक करा के आ चुका हूँ। ऐसे मैंने सारी मॉके आपको लगभग लगभग कंप्लीट करा दी है। मेरी मिक्सचर एलिगेशन की क्लास भी हमने अपलोड कर दी है और भी सारी की सारी क्लासेस, लगभग 17 क्लासेस मैं अपलोड कर चुका हूँ। इस 17 क्लासेस के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करवा दिया है। आप अगर इतना भी कर लेंगे तो आपका 90 से 95% इसको डन हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो जाकर के देखिए हमारी भोकाल सीरीज को। कंप्यूटर की क्लासेस भी सर ले रहे हैं, आप कंप्यूटर की क्लासेस पे भी विजिट कर सकते हैं। ये हमारी सीरीज है, मैंने आपको परसेंटेज, रेशो, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एज वगैरह वगैरह सारे जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं वो मैंने सारे सब कुछ करा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आज 5वीं नंबर की मॉक आपको कंप्लीट करवाता हूँ और फिर हम बढ़ते हैं हमारे आगे के ऊपर। पता नहीं ये क्या आ रहा है, 1 मिनट। चलिए, तो ये हमारे पास है, मैं यहाँ पर पेन सेट कर लेता हूँ और दी एग्जाम हेल्पर जी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों चैनल हमारे ही हैं। आपको 4 मार्च की मैं थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ, जो कि इवनिंग शिफ्ट है, केंद्रीय विद्यालय जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का ये एग्जाम पेपर होगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट चलता हूँ, लगभग 50वें नंबर पे आता है ना मैथ, देखें किस पे आता है, शायद नहीं 50, हाँ ये रहा देखो 50 नंबर पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। जैसा कि आपको पता है मैं आपको बोर्ड मास पढ़ा के आ चुका हूँ बहुत अच्छे से, मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करा ली थी। अब आपको यहाँ पर बोर्ड मास का तरीका लगा करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो बच्चा कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट एक तो ऑफ, ये क्या, ये बोर्ड मास का रूल है। बोर्ड मास याद करो, सबसे पहले मैंने बोला था आपको बार खोलनी है, फिर बार के बाद आपको ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले मैंने आपको बोला था स्मॉल, फिर मंझला, फिर उसके बाद बड़ा, क्या ये सही बात है। फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑफ, फिर आएगा डिवाइड, फिर आएगा मल्टीप्लीकेशन, फिर आएगा एड और फिर आएगा सब्ट्रैक्शन, क्या सही बात है। आप बोलोगे बिल्कुल सर सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो बच्चा ये सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ गया, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 10 / 3 माइनस, इसको सॉल्व किया 2 × 2 = 4 और 1 = 5, 5 / 2, क्या इसको सॉल्व करना आता है आपको, 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा, दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 आ जाएगा। 5 / इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 6 हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये वाला सॉल्व करने पर आपका ये आया तो इसको तो काट दो। अब बच्चा ये वाला ऑफ सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाद में सॉल्व होगा, पहले ऑफ सॉल्व होगा। तो ऑफ का अगर सॉल्व करेंगे तो अपन कितना आएगा बच्चा, 5 × 3 = कितना होगा, 15 और ये 48। तो आप बोलोगे सर 15 × 6 × 8। अब बच्चा ये ध्यान रखना, जब ये डिवाइड में होता है तो अपन इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, बोलो भाई। आप बोलोगे सर मल्टीप्लीकेशन में करने के लिए अपन इसको उल्टा कर देंगे, तो क्या आया था बताओ जल्दी से, यहाँ पर आया था सर 48, यहाँ पे आया था 15, क्या सही बात है। आप बोलोगे बिल्कुल सर सही बात है, 5 से गया 3 बार और ये 6 × 3 = 18, 6 से गया ये 8 बार, तो 8/3। क्या बच्चा इस पूरे के पूरे को सॉल्व करने पर 8/3 आया, आप बोलोगे सर मेरा भी आया। साथ के साथ सॉल्व करते जाना बच्चा, जिनको स्पीड तेज लग रही थी ना उनसे मैंने स्लो कर दिया, ठीक है ना, ताकि मैं पूरे क्वेश्चंस भी करा पाऊँ। कई लोग ज्ञानदार होते हैं वो बोलते हैं सर को क्वेश्चन आता नहीं है इसलिए स्किप कर देते हैं। तालियां भाई आपके लिए, तालियां, क्या बोलूं मैं। जाकर के थ्योरेटिकल क्लास देखो तो सही, कोई हवा नहीं लगाएगा तुमको जेएसए के अंदर, वैसे वैसे क्वेश्चन भी करा दिए मैंने, है ना। क्या बात करते हो तुम भी यार पांडे जी, 5/6। तो अभी अपन ने इसको सॉल्व किया तो ये 8/3, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस ये वाला ऑफ आ गया, ऑफ को सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर 2 से ये गया 2 बार,
तो ये आ जाएगा अपना 1/6, 1/6, फिर यहाँ से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो, 3 से गया 3, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1/2, 1/2 और 4, ये आ जाएगा 1/8 माइनस का। फिर उसके बाद माइनस का 1/8 तो पहले से ही दे रखा है, बात खत्म। सर पूरा सॉल्व हो गया ऊपर वाला, बचा सॉल्व करो जल्दी से। आप बोलोगे सर वापस सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 24, 3 से अपन डिवाइड करेंगे 8, 8 8 3 से 8 8 64, माइनस 8 करेंगे 3 बार, 3 माइनस 3 कितना हुआ बच्चा जल्दी से बताओ। आप बोलोगे सर 6 माइनस करेंगे 58 डिवाइडेड बाय 24, ये आ गया। अब बच्चा नीचे वाला सॉल्व करो, इसको छोड़ो या सॉल्व कर लो कोई बात नहीं, 29 डिवाइडेड बाय 12 आएगा। नीचे वाला सॉल्व करते हैं, आप बोलोगे सर पहले सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा तो हमारे पास यहाँ से कुछ नहीं कटेगा, यहाँ से डायरेक्ट 8/15 आएगा। बच्चा क्या बोला है मल्टीप्लीकेशन में क्या उल्टी हो जाएगी, आप बोलोगे हाँ सर 15 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 5। जब इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास बचेगा 3, ओनली नीचे बचा है 3, यहाँ पर नीचे 3 बचा, ये पलट करके ऊपर जाएगा 3, 29 डिवाइडेड बाय 36, क्या ये ऑप्शन में दे रखा है, आप बोलोगे हाँ सर थर्ड ऑप्शन में दे रखा है और हमारा आंसर सही हो जाएगा। समझ पाए हो बच्चा, ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जाकर के भोकाल सीरीज के अंदर, अगर आप देखना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है बच्चा, ठीक है ना। कोई लोग बोलते हैं कि एक ही बात को बोलते रहते हो, तो कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको इच्छा हो, आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, तो मैंने पूरे के पूरे रिविजन सीरीज पूरी कंप्लीट कराई है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडिड टू 996 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है मेरी, है ना, ठीक है ना, देख लो एक्सेंट देख लो, वैसे भी काफी अच्छी है इंग्लिश मेरी, कोई दिक्कत नहीं आती, भगवान गॉड ग्रेस मेरे पास मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छे आती आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो 996 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिसमें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब बच्चा एक बात बताओ, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, एक बात बताओ, तुम्हारे पास 30 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर 900 होता है, तुम्हारे पास 31 का स्क्वायर, बोलो 31 का स्क्वायर। जब भी ध्यान रखना बच्चा, अगर आप स्क्वायर नहीं निकालना चाहते तो मैं आपको बता देता हूँ स्क्वायर निकालने का तरीका। एक देखो, नंबर को तोड़ तोड़ के लिख लो, इसका स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 01, मैं बोलता हूँ सब दो डिजिट में आने चाहिए, स्क्वायर है ना तो दो डिजिट में आने चाहिए, इसका स्क्वायर क्या होता है 01। ओके, वैसे तो मुझे ध्यान है, ठीक है ना, पर ठीक है मैं सॉल्व करके बताता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 09। अब इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ बच्चा, आप बोलोगे सर 3 मल्टीप्लाई बाय अपनी तरफ से 2 से हर किसी को मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप बोलोगे सर 6 आ गया, तो यहाँ पर 0 और 6 लिख दो, सबको ऐड करो कितना आता है 961, 961 ही अपना आंसर होगा। इसके बाद 32 का तुम निकाल करके बताओ, आप बोलोगे सर 32 का होता है हमारे पास 2, 2 का हो जाएगा 04, इसका हो जाएगा 09, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, तो 12 आप एक यहाँ पर लिखो, एक यहाँ पर लिखो, ऐड कर दो, तो आप बोलोगे सर 1024। क्या बच्चा न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ने पर अगली संख्या स्क्वायर जो है 32 का 1024 ही आएगा क्या, आप बोलोगे हाँ सर, तो 1024 और 996 का डिफरेंस क्या है 28, तो 28 ऐसी संख्या जोड़नी पड़ेगी जहां पर अपने को ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बात को समझ पाए हो, आप बोलोगे सर बिल्कुल इजी है ये तो, ठीक है ना, हम वैसे ही कर लेते। चलो अब देखो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बच्चा ये वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बात को समझना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएगा मैं आपको तरीका समझा देता हूँ, उस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्या बोला है, एक्स वह 5 अंकीय संख्या है जिसे 12, 16, 35 और 84 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 8, 27, 76 एक्स के अंकों के योगों का मान। अब देखो अंकों का योग निकालना है, अगर ये संख्या मुझे डायरेक्ट ऐसे बोल दी जाती ना कि एक्स क्या होता तो मैं ऑप्शन में चेक करके रख लेता, इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना बच्चा, देखो इसमें हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक बात ध्यान रखना, इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे आप बोलोगे सर 8 का डिफरेंस है, इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे आप बोलोगे सर 8 का डिफरेंस है, इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे 8 का डिफरेंस है। ऐसा क्वेश्चन पर्टिकुलर बनेगा ही तब जब आपका 8 का डिफरेंस हो, मतलब 8 का डिफरेंस नहीं, किसी पर्टिकुलर सेम डिफरेंस के अंदर ये चीजें चल रही हो, आप बोलोगे सही है सर, आगे चलते हैं। अब बताओ ये सॉल्व कैसे होगा, आप बोलोगे सर मैं आपको सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूँ, ठीक है ना।
फटाफट मैं आपको एक सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, उस तरीके को आप समझो और बल्ले बल्ले करो। मैंने बोला ठीक है आप बताओ, आ जाओ। सबसे पहले तो बच्चा ध्यान रखना, 1 2 3 4, इन चारों का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एलसीएम निकाल देता हूँ मैं, 12 16 35 और 84 डिवाइड करोगे 2 बार। बच्चों की तरह सॉल्व करके बता रहा हूँ यार, बताओ। ठीक है ना, 84 82 42 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड किया, 3 4 35 और 21। 2 से फिर डिवाइड किया तो आपके पास आएगा 2 35 21, और फिर वापस 2, तो 2 की पावर 4 आ गई एक बार के लिए। फिर उसके बाद आपके पास 3 3 की 3 एक बार, ये 2 1 चला ही गया, 35 35 का 35 7। ओके क्लियर। अब बोलोगे सर आप 5 बार, एक बार 5 भी तो चला जाएगा, 3 से तो चलो आपने कर लिया, तो 3 की पावर आ गई बच्चा 1। फिर उसके बाद 5 5 से सॉल्व किया, तो 5 से जाएगा ये कितनी बार, आप बोलोगे हाँ 5 से जाएगा ये बच्चा, अरे यार एक मिनट रुको, यहाँ पे ये, अच्छा 3 से डिवाइड करना था ना, ये 3 ही आता, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 बार 1 बार 35 बार और 7 बार, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 1 1 7 और 7 तो 7, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। बच्चा ये पूरा का पूरा सॉल्व करने पर आया। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, 2 की पावर 4 होती है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 48, 48 पंजे कितना होता है, आप बोलोगे 240, 240 होता है ना, 240, 240 मल्टीप्लाई बाय 7, 24 7 168, 1680 सर आपका एलसीएम आ गया। मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बच्चा, 1680 एलसीएम आ गया, पर 1680 ऐसी संख्या है जो इनसे सबसे डिवाइड हो जाती है, ध्यान रखना हो जाती है बोल रहा हूँ। थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करूंगा क्योंकि मेरे को जगह चाहिए, इंग्लिश वालों देख लो। देखो अब मुझे ये बात समझाओ तुम बच्चा, जब आपकी संख्या जो है अगर इनसे डिवाइड हो जाती, अगर इनसे डिवाइड हो जाती तो आपके पास क्या आता, ये आती संख्या 1680। पर बच्चा हर किसी के अंदर आपको 8 8 का गैप लेना है, मतलब जब भी आप इस संख्या को इससे डिवाइड करो, मतलब इस संख्या को इससे डिवाइड करो, इस संख्या को इससे डिवाइड करो, तो आपके पास 4 8 27 और 76 आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। तो इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चंस में क्या करते हैं बच्चा, एलसीएम माइनस जो भी अपन ने अभी डिफरेंस निकाला था डिफरेंस, उसको माइनस कर देते हैं, बस आपके पास वो संख्या आ जाएगी, ध्यान रखना। पर बात ये आती है कि बच्चा एक बात रुको, वह 5 अंकीय संख्या, 5 अंकीय संख्या तो बहुत सारी हो सक्ती है, तो एक्स का, एक मिनट रुको, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है मुझे। ओके देखो 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 बच्चा ध्यान रखना, ये इंग्लिश वालों में सही दे रखा है, लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर का मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है, ऐसे तो बहुत सारी हो जाएगी बच्चा, ध्यान रखना ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो सबसे छोटी संख्या अगर अपन निकालेंगे तो बच्चा एक बात बताओ, सबसे छोटी संख्या अगर अपन निकालेंगे, सोचो दिमाग लगाओ, तो छोटी संख्या निकालने के लिए 5 अंकों की छोटी संख्या मतलब 10,000 से ऊपर जानी चाहिए, तो इसमें ऐसा कोई के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिफरेंस करना पड़ेगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा बच्चा मैं क्या करूं बताओ, थ्योरी क्लासेस अगर आपने देखी होती तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है इसको, ठीक है ना, तो वहां पे जाकर के देख लीजिए। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय के, वो के ऐसा मान आएगा, मतलब इसका मल्टीपल चलाते जाओ। आप बोलोगे सर मल्टीपल चलाते जाएंगे, मैंने एलसीएम वाली क्लास में बताया था बच्चा, इसका अगला मल्टीपल भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, इसका अगला मल्टीपल भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, इसका अगला मल्टीपल, ये जाकर के देखो मैंने बता रखा है। तो एलसीएम मुझे समझ में आ रहा है कि 1600 को अगर 6 से करूंगा तो मैं 9600 तक पहुंचूंगा, इसका मतलब मैं 10,000 तक पहुंच जाऊंगा लगभग। तो मैंने एलसीएम 1680 में मल्टीप्लाई किया 6 का और डिफरेंस मुझे 8 का माइनस करना है, तो ये गया मेरा 9600 और ये मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 480, तो ये 80 किया मैंने तो 10,080 मेरा आंसर आया। 10,080 में से मुझे 8 भी लेस करना है तो 10,072 हमारा वो फाइनल संख्या होगी जो इस संख्या पूछी है। और अगर मुझे x के अंकों का योग चाहिए तो 1 7 और 2 कितना होता है बच्चा 10, तो 10 फाइनल आंसर आएगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिए ऐसे किस टाइप के क्वेश्चन को किस। अब बच्चा आप पेपर में कुछ भी कर लो, अगर आपको ये चीज नहीं आती है ना तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ये वन ऑफ द बेस्ट शिफ्ट है, सबसे टफेस्ट शिफ्ट है, ध्यान रखना
केंद्रीय विद्यालय की, आप देखो कि आपका लेवल क्या है, ठीक है ना। और मैं तो यही बता के आ चुका हूँ कि हर पेपर के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे आते हैं, बाकी सारे के सारे इजी आते हैं। चलो 104 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है। 7 डिजिट नंबर 7x59448 इज डिविजिबल बाय 72, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये पूछा गया है। अब अच्छा समझना, आपको क्या बोला है 72, क्या मैंने आपको डिविजिबिलिटी में पढ़ाया नहीं 8 मल्टीप्लाई बाय 9 को प्राइम फैक्टर बन जाएंगे इसके? आप बोलोगे सर बिल्कुल, 8 से मतलब होता तो सर यहाँ पर कुछ ना कुछ देता, यहाँ पे तो डन है, तो 8 छोड़ो 9 को पकड़ो, 9 को पकड़ो, यहाँ पर कितना आता है 5 9 4 4 8। मैंने आपको क्या ये बात नहीं सिखाई कि जहां पर 9 9 बनते जाए काटते जाना, 9 अपने आप में 9 है, 5 और 4 9 कट गया अपने आप में 9 से, फिर उसके बाद अब कुछ नहीं कटेगा, तो ये टोटल हो गए 19, 19 प्लस एक्स, और ये डिवाइड होनी चाहिए हमेशा 9 से। तो बच्चा एक्स कोई संख्या रही होगी, आप बोलोगे सर 27 है ना, तो ये संख्या 8 रही होगी, 8 ही अपना फाइनल आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने डिविजिबिलिटी में करा रखे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। क्या सिंप्लीफिकेशन के अंदर बच्चा ये वाला क्वेश्चन मैंने, मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है मैंने? आप बोलोगे सर बिल्कुल करा रखा है, आपने सारी एलजेब्रिक आइडेंटिटी हमको बता दी थी और बताया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब देखो क्या ए क्यूब, आप बोलोगे सर ये तो चलो फिर भी हम एक बार के लिए सॉल्व कर लें, पर हम इसको सॉल्व करने में डर रहे हैं क्योंकि इसका क्यूब निकालने में टाइम लगेगा। तो बच्चा मैं बोलता हूँ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या यही होता है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी होता है क्या? आप बोलोगे सर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब बच्चा एक बात बताओ, ये क्या दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या इसको ए प्लस बी मल्टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा जा सकता है? आप बोलोगे हाँ सर ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए प्लस बी ए माइनस बी? आप बोलोगे हाँ सर। क्या ए प्लस बी कट गया क्या? आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। अब बच्चा सिंपल सीधा सा स्क्वायर करना है, 56 का अगर स्क्वायर आप नहीं जानते तो मैंने अभी आपको सॉल्व करना सिखाया, 36 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का होता है 25, दोनों को मल्टीप्लाई करो आपके पास आएगा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60, सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 31 36, 31 36 का मतलब 31.36, एक के बाद पॉइंट होता है ना, तो स्क्वायर करते हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगने लग जाता है, प्लस उसके बाद 35 का तो मुझे रटा हुआ है 12.25, तो 12.25 जब अपन इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे अपन सॉल्व, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा 30, हासिल का 3, 5 पंजे 25 80, फिर उसके बाद 3 168 है ना, 168 आएगा, 0 6 हासिल का 1 19 19.6, तो 19.6 आपका यहाँ पर आएगा। फिर नीचे डिवाइड करेंगे अपन a माइनस बी, डायरेक्ट इसको माइनस करना है, तो 56 में से अगर 35 गए तो 2.1, इतना सॉल्व करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है ना, ध्यान रखना अगर आपको सिलेक्शन लेना है इतना सॉल्व करना पड़ेगा, 31.6 12.25 करोगे सॉल्व, हासिल का 1 3 2 5 और 1 6, हासिल का 1 2 3 4 4 हो गया और 1 5, 5461 हमारे पास ये आया, इसमें से माइनस करना है अपने को 19.6, डिवाइड करना है 2.1 से, 54.6 माइनस, अब बोलो ना तुम सर को नहीं आता है, ठीक है ना, फालतू की बातें करते हो यार कमेंट बॉक्स के अंदर, थोड़ा पढ़ाई में दिमाग लगा लिया करो। इतने अच्छे अच्छे बड़े बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या क्या नाम लूँ यार, समीक्षा ठीक है ना, अंशु ठीक है, रावि ठीक है, और पंकज ठीक है ना, पंकज और पता नहीं कितने में, तो दीपिका ठीक है ना, दीपिका स्वाति, पता नहीं इतने बच्चे हैं, मतलब मेरे को पर्सनली 120 या 150 बच्चों से तो मैं कनेक्टेड हूँ यार, @nitya1998 पर मेरा टेलीग्राम का वो है चैनल, क्या मतलब चैनल, मेरा नंबर है टेलीग्राम के ऊपर, अगर यूजर नेम आपको कोई क्वेश्चन भेजना है। इतने बच्चे हैं, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, तुमको तो बस कमेंट में ये डालना है ये नहीं आता क्या तुम? बच्चा हम जब पढ़ते थे ना,
हमने हमारे टीचर के ऊपर कभी भी ऐसा इस तरीके का नहीं लगाया कि कभी भी कि उनको कुछ नहीं आता। उन्होंने हमको पढ़ा करके जॉब पे लगाया है ना, तो सोचो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ध्यान रखा करो थोड़ी बातों का, ठीक है ना। गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हो, ठीक है, मुझे तो कुछ नहीं जाएगा ना, मेरा कोई सैलरी तुम लेकर के जाओगे ना, वो है मेरी 30 साल को सैलरी क्रेडिट होनी है, ठीक है ना। फिर भी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे भले के लिए, कि अगर तुम्हारे को थोड़ा बहुत मुझसे हेल्प मिल पाए। नहीं होगा तो छोड़ेंगे यार, आराम करेंगे, खुद तैयारी करेंगे अपन, क्या दिक्कत है। मेरा वैसे भी सीजीएल का मन है पूरा का पूरा, इस बार मैं क्रैक करके तुमको दिखा दूंगा, मैं इंस्पेक्टर बनूंगा। पिछली बार भी मैं रह चुका था, सिर्फ वो भी किसी ट्रेजेडी के कारण जो 2022 में सबके साथ हुई थी, और तुम सोच सकते हो कि वो क्या था। अब दिमाग लगा लो क्या ट्रेजेडी हुई होगी। बहुत अच्छे नंबर आए थे पर ट्रेजेडी हो गई थी, वो एक ही चीज के लिए हुई थी, वो यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है ना। 14 माइनस 9 अपना 5 होता है, फिर उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे तो 3, ये आ गया 35.01। 35.01 को 2.1 से मल्टीप्लाई करना है, जब अपन नीचे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व कर लेना, मैं लगभग लगभग सॉल्व ही करके बता देता हूँ तुम्हें, फिर वही चिल्लाओगे कि सर को नहीं आता। 210, 210 सॉल्व करेंगे अपने पास एक बार, फिर उसके बाद 210 सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा 140 और एक 140, सॉरी कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं यार, शायद है ना, मिस्टेक कर रहा हूँ ना, एक मिनट रुको। अरे यार दिमाग उस साइड चला जाता है ना, तुम मत लाया करो यार, बातें मेरे दिमाग में चली जाती हैं फिर यार, बिल्कुल ऐसे मत किया करो। 24 माइनस 54, चौवन नहीं यार, सीगा 54 नहीं होगा, 44 होगा। 44.61 माइनस 19.6010 हासिल का 14, 14 में से 5 गया, 5 और ये 3, सही तो है यार कुछ नहीं। 25 आएगा ना, ये 3 हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 01, 21 करेंगे तो लगभग लगभग ये 11 टाइम अप्रोक्स जाएगा, 11.1 इसका आंसर आ जाएगा, खत्म। कोई नहीं करा था एलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, जा करके देख लेना, मौत आती है लोगों को पढ़ाने में, फिर भी एलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मैंने बहुत अच्छे से कराया है, वहां पे जा करके देखो, तुम्हारे को अगर सॉल्व नहीं हो जाए तो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो जिसको कहना है उनको कहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। चलो आगे अगला क्वेश्चन, क्या सेम टाइप का क्वेश्चन कराया था। देखो, एक टेलीविजन को 12% के लाभ पर 6,160 रुपये में बेचा जाता है, तब उस टेलीविजन पर लाभ बताइए, बचा क्या 100% की कॉस्ट है। आप बोलोगे हाँ सर, जो भोकाल सीरीज वाले हैं वो बोलते रहा करो, है ना, बाकी को आए या ना आए उससे अपने को दिक्कत नहीं है, पर भोकाल सीरीज वालों को ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि मैंने सॉल्व करवा रखी है। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने पर 5 में चला जाएगा क्या, 5 में 500, नहीं, 5 में नहीं जाएगा, तो आप इसको सॉल्व ही कर लो। 6 बार ये जाएगा अपने पास, 61 बार जाएगा, फिर उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लें, हाँ 61 से डिवाइड कर लेते हैं, 61 बाय 60, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, डिवाइड कर लेते हैं 61 से, ना 61 नहीं जाएगा ना यार, गलती कर दी ना, 122 नहीं है ये, रट के नहीं आता मैं कैलकुलेशन, है ना, रट के आता तो कब का ही तुम्हारे को सॉल्व करके बता देता। 6 और 5 51 भी नहीं जाएगा यार, दिमाग थक जाता है पूरा कर चलते चलते। 56, तो ये 6160 डिवाइडेड बाय 56, 56 से 1 बार, 5 56, 11 बार, 110 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 660, और 660 अपना सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, बिल्कुल पप्पू सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही उसका ये करा रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का जाकर के देख लो, क्या ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया नहीं। ए की वार्षिक जो आय है वो बी की आय वार्षिक आय से 25% ज्यादा है, एक तो बेसिक तरीका बताओ, ए की आय जो है बी की आय से ज्यादा है, तो ए की आय 100 है और बी की आय 125 है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, मतलब रेशियो ले लेंगे, तो कितना आएगा बताओ, बताओ बच्चा, 5 और 4। ये क्या बोला है अपने को, बी की वार्षिक आयु कितना कम है, तो ए से कितना कम है, एक कम है, किससे कम है, ए से कम है, ए 5 मल्टीप्लाई बाय 120% आंसर। एक तरीके का मैंने क्वेश्चन ये भी बताया था कि जब भी आपको 1/4 दे रखा है, आपको क्या बोला 25% अधिक है, और फिर कम का आ जाए कि कितने प्रतिशत कम है, जस्ट इसके अपोजिट क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर अधिक दे रखा है, यहाँ पर कम पूछा है, और इसको इंटरचेंज कर दिया, बी को यहाँ दे दिया, ए को यहाँ दे दिया, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये करना है,
एक तो पहले ऊपर का ऊपर तो एक ही रहेगा, इसको एक ऐड करके यहाँ लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा खत्म। जो भोकाल सीरीज में पढ़ रखा है उसको ये क्वेश्चन पता होगा, मैंने करा भी रखा है, बेसिक भी क्या है, लॉजिक भी क्या है, सब बता रखा है, वो डायरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति को 32% की हानि होती है यदि वह वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 17/40 पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को आरंभिक विक्रय मूल्य पर बेचे तो बताइए प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर पहले मतलब उसका जो मूल्य है ना वो 40 है, पर अभी वो 17 का बेच रहा है, तो बच्चा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे परसेंटेज वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे सर 100% तो आपका सीपी होता है, अगर 100% में उसको 20% लॉस हो रहा है तो इसका मतलब आज की तारीख में सीपी 68% ओ सॉरी एसपी 68% है। मैंने बोला यार कतई होशियार हो रहे हो तुम, तो 68% आप बोलोगे सर जो 17 यूनिट है ना वो 68% के बराबर है, तो मैं बोलूंगा सर एक बात बताओ कि 17 जो है वो अगर 68 के बराबर है तो मुझे 100 के बराबर बता दो तो मैं सीपी निकाल लूं यार। आप बोलोगे सर जी लो बिल्कुल 4:25 की जो वैल्यू है वो है सीपी, और आपके पास जो एग्जैक्ट एसपी है वो कितना है, आप बोलोगे सर 40। अगर यदि वह वो उस वस्तु को आरंभिक विक्रय मूल्य क्या 40 था, बिल्कुल सर। कितना प्रॉफिट हुआ बच्चा, आप बोलोगे 25 का सर, डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास कितना हो गया 60% आंसर, ये करा रखा है, ये भी देखे ना जिसको पता है वो करा रखा है, क्या सेम टाइप एग्जैक्ट बोला था, ठीक है ना, एग्जैक्ट कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, भोकल सीरीज में करा रखा है, जाकर के देखो, अगर नहीं देख पा रहे, मैं मेरा काम बोलने का है, बोलूंगा क्यों नहीं, मैंने मेहनत करी है, जब मैं जाकर के बोल रहा हूँ उसको देखो, अगर तुम्हें आता है तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, पर नहीं आता तो जाकर के देख लो बच्चा, आप ही कई फायदा है उसके अंदर। अब देखो बच्चा, किसी व्यापारी ने कुछ सेब 157.50 की 15 की दर से खरीदे, उतने ही सेब बराबर सेब जो है 10 रुपए की दर से खरीदे और उन सभी सेबों को 144.80 में 12 रुपए की दर से बेच दिया, तो बताओ कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब बच्चा ध्यान रखना, मैंने ऑप्शन पे नजर डाली तो ऑप्शन थोड़े दूर दूर है, तो बच्चा इनको पॉइंटों में करने की जगह आप इसको कन्वर्ट कर लो, 158 कर लो, और ये तो 126 पहले से है ही, और बाकी इसको 185 कर लो, देखते हैं क्या आंसर आता है। मैं अगर एग्जाम मतलब बैठा होता तो मैं इसको पूरा पूरा लेकर के ही सॉल्व करता। देखो इसमें इसने क्या बोला, 158 में 15 की दर से खरीदी और 126 में 10 की दर से, मैंने क्या बोला था इन दरों को बराबर करते हैं कॉमोडिटी में, बिल्कुल सर। आप बोलोगे सर कॉमोडिटी को बराबर कर लो, कॉमोडिटी को बराबर करेंगे मतलब वस्तुओं को बराबर कर लो, तो यहाँ पर अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे सर 316 और ये 30, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 360 और 378, 378 ही आएगा ना, 378 या 68, 78 सही है, ठीक है ना। फिर 30 आप बोलोगे सर ये अब देखो बराबर हो गया, मतलब टोटल जो संख्या है ये एक सीपी था और ये दूसरा सीपी है। अरे यार मेरा क्या तबीयत थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्या है तुमको पता है मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, चंडीगढ़ में अभी बहुत भयंकर सर्दी है, मैं अभी खाना वाना खा करके बाहर से आया था तो भाई साहब कतई ठंड, मैंने दो दो जैकेट ओ जैकेट पहन रखे हैं, पूछो मत भाई, फिर भी हाथ भी ऐसे थोड़े से हिल रहे हैं, पर फिर भी पढ़ाना तो है ही, ठीक है ना। तुम्हारे को 6 और 8 कितना हो गया, 14, हासिल का 1, 9 और ये हो गया 694, 60 जो वस्तु है, अब ये टोटल सीपी है। अब बच्चा क्या एसपी निकाला जा सकता है, आप बोलोगे सर एसपी भी दे रखा है, एसपी भी निकाल लो, एसपी 185 रुपए में आपने 12 वस्तुएं खरीदी है, क्या बच्चा अभी वस्तुएं बराबर है, नहीं सर, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करो 694, 60 वस्तुओं का मूल्य है, यहाँ पर 60 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 5 से करेंगे तो कितना 925, क्या 60 वस्तुएं खरीदी थी, आप बोलोगे हाँ सर, क्या 60 वस्तुएं बेची है, अब सर सीपी और एसपी की वस्तुएं बराबर है तो आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो, 925 में डिफरेंस लेंगे अपन 634 का, तो 634 ओ सॉरी 694 का, तो आपके पास एक बार और ये जाएगा आपके पास 21, 21, 9, 12 ना,
इक्कीस, अरे सॉरी 12, 12 में 9 गया 3 और यहाँ पर आ जाएगा 8, 8 दूनी 231। 231 की वैल्यू 694 से जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तब इसे सॉल्व करने पर अपना आंसर आना चाहिए। सॉल्व करके बताऊँ और बता दो? चलो सर कोई दिक्कत नहीं, 50, ठीक है ना, बच्चे हमारे खुश रहने चाहिए। 3, 3 गया 3 बार गया 8, 8 गया 4 बार, 4 बार 1 14, 347, 347 आया, 347, फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चा तभी तो ये सबसे वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट है, सबसे ज्यादा बच्चों के नंबर बढ़े थे इस शिफ्ट के अंदर, ठीक है ना। मैंने थोड़ा डेटा कैलकुलेट किया था आज, मैंने बोला यार इतना टफ पेपर कैसे बना दिया केंद्रीय विद्यालय ने, तो बच्चा पता लगा कि वाकई यार पेपर टफ आया था। अब बच्चा देखो इसको 350 कर लूं लगभग, आप बोलोगे सर 350 कर लो तो 7 बार जाएगा, 231 में 7 का भाग लगाना है एक बार, आप बोलोगे सर 231 में करेंगे तो 3 बार ये 2 और 231 में 21, 33 बार, तो बच्चा 33 पॉइंट के समथिंग आंसर आएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली, बताओ। तो ऐसे राउंड फिगर में चीजों को लेकर के चला करो ताकि आपके आंसर थोड़े, क्योंकि बच्चा यहाँ पर मैंने देखा ना यहाँ पर बिल्कुल 0.5 का फर्क था, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस, यहाँ पर 0.30 का डिफरेंस था, उससे बहुत ज्यादा फर्क क्वेश्चन को नहीं पड़ रहा था, इसे मैंने राउंड फिगर कर लिया। ओके, ऐसे टाइप का क्वेश्चन देख लेना बस, है ना, ठीक है ना। मेरा मतलब यही है कि आपको पेपर के टाइप से रूबरू कराया जाए, ठीक है ना। कई लोग बोलते सॉल्व नहीं कराया, अबे सॉल्व सॉल्व बच्चा तब होता ना जब पूरा का पूरा मेरे पास टाइम दिया गया हो, मेरे पास आधे घंटे 45 मिनट के अंदर तुमको पूरी मॉक भी सॉल्व करानी है, सॉल्व कराने की, और छोड़ो तुमने क्या तैयारी करी फिर बच्चा। चलो कोई ना, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम होएगा, जितना पढ़ाया है जितना आपने पढ़ा है उसको मैक्सिमम रिवाइज करो बच्चा, मैक्सिमम, ठीक है ना। 5 दिन बाद पेपर है, ठीक है ना, 17 तारीख को पेपर है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, क्योंकि 16 तारीख को मेरा बर्थडे है, ठीक है ना, ध्यान रखना 16 दिसंबर को मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो तुम्हारे को गिफ्ट में क्या देना है, तुम्हारा सिलेक्शन देना और तुम्हारे माँ बाप की खुशी देनी है। एक्स की एक राशि को ए बी सी के में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का अनुपात 3:5 है और सी और बी का अनुपात जो है वो 3:7 है। क्या बच्चा मैंने आपको ये सॉल्व करना सिखाया था, ए और बी दे रखा है फिर उसे सीधा कर लो 7:3, क्या मैंने रेशो को कंबाइन करना सिखाया था, आप बोलोगे हाँ सर उल्टा एन बनाना सिखाया था, 21 यहाँ पर 35 और ये 15, ये आपका रेशो बन जाएगा सर, मैंने बोला बिल्कुल यार। अब बस ए और सी का अनुपात में अंतर कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर ए और सी में दे रखा है 6 का अंतर, 6 की वैल्यू 132 के बराबर, 132 मतलब 1320 डिवाइड बाय 6 करोगे कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2 बार 12 से 2 बार 22, 220 तो अपना 1 का अंतर आ गया। अब अगर क्या पूछा, x की वैल्यू पूछी ना, टोटल लगा लो यार, ये कितना आया बोलो 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 जल्दी से, 50 और 21 71, 22 में 71 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप बोलोगे कितना आएगा सर, एकम एक 22, सातु दुनी 14, हासिल का एक सातु साती, सातु दुनी 14 और एक 15, कितना आया 2, 6, 5, 15, 620 आंसर। कैलकुलेशन आई है पेपर के अंदर, सबसे टफ है शिफ्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 111 नंबर। क्या बोला गया है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यदि एक्स स्क्वायर रेशो वाई बराबर जेड रेशो एक्स है तथा एक्स 8y स्क्वायर की वैल्यू जेड के बराबर है तो बताओ इसका मान क्या होगा। अब बच्चा आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं पता चल रहा होगा, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ, आपको जितना दे रखा है पहले उसको यूज करो। भाई रेशो का मतलब क्या, डिवाइड में भी लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर आ गया जेड एक्स, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो जेड क्यूब बराबर आ गया जेड और एक्स, जेड और वाई सॉरी, एक तो ये आ गया। अब बच्चा जब मैं क्वेश्चन के आंसर के ऊपर जाता हूँ ना, मतलब जो मुझे वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब यहाँ पर एक्स और वाई से खेल है, एक्स और वाई से खेले तो यहाँ से अपने को जेड गायब करना है कैसे भी करके, तो एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। तो जेड को कैसे गायब कर सकते हैं बच्चा, वो बोल रखा है जेड का मतलब 8y² है, तो बच्चा क्या मैं जेड की जगह 8y² लिख सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ सर, 8 क्यूब बराबर वाई 8y³, क्या सही बात है, आप बोलोगे सर अगर एक्स क्यूब यहाँ से अगर अपन इसको डिवाइड में लेकर के आ जाएं क्यूब में तो 8/1 हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा, ये क्यूब है, क्यूब को अगर क्यूब रूट ले लेंगे दोनों जगह से
तो एक्स डिवाइडेड बाय वाई बराबर तीन, सॉरी तीन नहीं, 2 डिवाइडेड बाय 1, ये फाइनल रेशियो आ गया। बस पुट करना है 2 मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू कितनी आई 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 की वैल्यू, y की वैल्यू आई 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 और 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। कई लोग बोलते हैं नीचे से सॉल्यूशन देख करके लिख रहा है, ये देखो ये मोबाइल है, अभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ था ठीक है ना, उसको देख रहा था। अबे कुछ नहीं होता मेरे साथ, मैं तुमको लैपटॉप किसी दिन वो करके दिखा दूंगा, और मैं नीचे पेन टैब पे देखता हूँ ठीक है ना, ये मेरा पेन टैब है, अगर मैं इसके ऊपर कुछ लिखता हूँ ना, देखो दिख रहा होगा वो आता है। चलो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर उसके बाद 3x, x कितना है 2, 2 माइनस 1। चलो सॉल्व कर लेते हैं बच्चा, कितना आता है यहाँ से, आता है अपने पास 10 और 3 13, रेशो कितना आएगा अपने पास 6 माइनस 1 5, 13 रेशो 5। क्या समझ पाए क्या? आपको बनाना पड़ेगा, वन ऑफ द बेस्ट शिफ्ट है, मैं बता रहा हूँ अभी अभी आपको ठीक है ना। चलो सब एक से एक क्वेश्चन है भाई साहब, ये तो सीजीएल वाला क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, सीजीएल के मेंस में एक बार ये क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन को डाल दिया, मैं तो खुद ही हैरान हो गया, मैंने बोला ये वाला क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसका सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा है। पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, देखो जब भी आपके पास फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा, जब भी बोलेगा कि दो, इसका मैं टेलीग्राम पे सॉल्यूशन डाल दूंगा अगर बेसिक से जानना है तो ठीक है ना, पूरा का पूरा अच्छे से, जब भी किन्हीं दो संख्याओं का औसत यदि तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो क्रमशः इतना 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 टोटल आता है, कोई भी दो संख्या है ठीक है ना। तो मैंने मान लिया x, y और z है, तो पता है क्या बोल रहा है, जैसे x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इनका औसत प्लस तीसरी संख्या, फिर अपन ने x को छोड़ दिया, y को ले, z को ले लिया, तो इन दोनों का औसत प्लस तीसरी संख्या x, ऐसे ऐसे दे रखा है। अब बच्चा इसको सॉल्व करेंगे ना, तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, पर मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊं, मैं इसको डायरेक्ट तरीके से बताता हूँ। देखो बच्चा ध्यान रखना, हमेशा जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, 36 प्लस 28 प्लस 41, इन तीनों को ऐड कर लेना है। आप बोलोगे सर ऐड करने पर क्या होगा, ऐड करने पर ये होगा बच्चा, आपके पास 41 ये आ जाएगा, 9 9 5 हासिल का 1, फिर उसके बाद आपके पास कितना आ जाएगा, 1 और 3 4 4 4 और 6 10, 105 आ गया, 105 आपका टोटल आ गया। इस 105 में अगर आप 2 का डिवाइड लगा लोगे ना बच्चा, तो आपके पास x प्लस y प्लस z की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी कितनी, आप बोलोगे सर ये आएगी कितनी बताओ, 52.5, 52.5 आएगी। मैंने बोला धन्यवाद। अब आप ये बोलोगे कि सर ये x प्लस y प्लस z ही तो चाहिए था मेरे को, तीनों संख्याओं का अगर औसत निकालना है तो अगर मैं इससे 3 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास औसत आ जाएगा। डायरेक्ट तरीका लगाना है, तीनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो x प्लस y प्लस z की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करोगे 17.5, 17.5 अपना आंसर आ गया। टेलीग्राम ग्रुप पे इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा पूरा बेसिक से ठीक है ना, पूरा बेसिक से ठीक है। चल अरे क्या हो गया इसको, हैंग कैसे हो गया, चले आगे, आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन, कोई समान धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए इतनी हो जाती है, 7.5 वर्षों के लिए 9.510 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर दोनों की समान है तो दोनों की समान दर बताइए। अब एक बात बताओ बच्चा, क्या मैं ये वाला क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ सकता हूँ क्या? अब आप बोलोगे सर मैं अगर छोड़ता हूँ तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम बोलोगे कि सर को आता नहीं। अबे ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, 4.5 साल आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिवाइड करोगे 1 साल का आएगा, 1 साल में 3 साल को मल्टीप्लाई कर देना, 3 साल का ब्याज आ जाएगा, 3 साल का ब्याज अगर इसमें से माइनस करोगे ना तो तुम्हारे पास क्या आएगा बोलो, प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल आ गया, जो तुम्हारे पास 1 साल का इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। क्या मैं ये भी सॉल्व करवाऊं कि बच्चा तुम्हारे को, यार तुमने पढ़ा क्या साल भर? फिर आप बोलोगे सर डीमोटिवेशन कर देते, अरे डीमोटिवेट नहीं करता बच्चा मैं, किसी भी पर्सनल भी मेरे को कोई कॉल वगैरह या कोई मैसेज करता है तो मैं हमेशा उसको मोटिवेट करता हूँ। पर बच्चा 5 दिन पहले आप ये पूछोगे कि इसका बेसिक क्या है, उसका बेसिक क्या है, तो बच्चा आपने क्या पढ़ा मुझे ये तो बताओ। मैं आपको रिवीजन कराने आया था, मैंने पूरी ईमानदारी से आपको रिवीजन कराया, एक एक चैप्टर पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, क्या करूं बच्चा मैं। चलो आगे चलते हैं,
किसी राशि पर दूसरे वर्ष। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो है वहां पर तो मैं कराऊंगा, जब ऐसे क्वेश्चन है मुझे लगता है कि आपको दिक्कत आएगी, परेशान हो गए आप। अरे यार इंग्लिश वाले बच्चों के लिए थोड़ा रुकना था, है ना, ये इंग्लिश वाले बच्चों लो देख लो। अब देखो जिसमें दिक्कत आएगी, अब देखो क्या बोल रखा है, किसी राशि पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः इतना है और इतना है। बच्चा एक बात बताओ, दूसरे और तीसरे वर्ष मैं जब अगर तुम्हें साइकिल बनाने के दिखाऊं ना, तो बच्चा ये एक प्रिंसिपल होता है, इसकी 3 ईयर का अगर अपन ब्याज निकाले तो ये तीनों के तीनों ईयर की शाखा बना देता हूं मैं। एक यहाँ पर ब्याज आता है, एक यहाँ पर आता है, एक यहाँ पर आता है और एक इसका एक यहाँ पर आता है। अब ध्यान रखना, अगर मैं अंतर की बात करता हूँ ना, अंतर की, तो अंतर सिर्फ ये होता है, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। और ये अंतर कौन सा होता है बताए, जो इस ब्याज के ऊपर मिल रहा होता है। सेकंड वर्ष में जो अपने को ब्याज मिला था उसका, उसके ऊपर जो चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो जो दूसरे वर्ष का ब्याज होता है उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है ना, वही कहलाता है अपना तीसरे वर्ष का अंतर। अब देखो समझना, इस बात को बहुत अच्छे से समझना बच्चा, जब भी मैं तुम्हें ये बात बोलूं कि दूसरे और तीसरे का अंतर जो है, जब भी मैं तुम्हें क्या बोलूं बताओ, जब भी मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, अगर मैं तुम्हें बोलूंगा दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज इतना है, तो जब भी मैं दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर निकालूंगा ना, तो आप बोलोगे सर अंतर आया यहाँ पर 6, अंतर आया यहाँ पर 15 में से 9, और अंतर आया यहाँ पर कितना 39 में से 3 गया तो 3, मतलब 42 में से 39 गया तो 3, 396 आपका आया। अब मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये जो अंतर है ना, ये वो वाला ब्याज है जो आपको दूसरे वर्ष में ब्याज मिला था उसके ब्याज के ऊपर ब्याज है। दूसरे वर्ष जो आपको ब्याज मिला, क्या तीसरे वर्ष उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 396 जो है इसके ऊपर मिला है। बिल्कुल बच्चा, अगर आप ये बात समझ पाए ना, तो इसका मतलब वाकई आपने मेहनत करी है और आपकी मेहनत सक्सेसफुल भी हो रही है। जबकि दोनों वार्षिक ब्याज की जो दर है वो समान है, वार्षिक संयोजित होती है। तो बताओ वार्षिक दर क्या है? तो बच्चा सिंपल सीधा सा एक बात बताओ, 10% रेट आ गई, 10% रेट, इसका मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? आप बोलोगे सर वैसे ही चेक करके देख लेता हूँ। जब 10% आप निकालते हो ना, तो 10% में 3 साल का जो ब्याज होता है, दो साल का जो ब्याज होता है ना, वो 2 साल का ब्याज होता है सर। दूसरे वर्ष का ब्याज अगर अपन निकालेंगे तो 3000 रुपये तो ब्याज आ जाएगा, है ना, 3000 रुपये ब्याज आ जाएगा, और इस 3000 रुपये पे एक बार और ब्याज मिलेगा, तो 3300 आना चाहिए। मैं बोलता हूँ नहीं, 3300 नहीं आ रहा, ये तो अलग आ रहा है। आप बोलोगे सर ये वाला चेक कर लो। आप बोलोगे सर एक तो 3600 तो ब्याज आएगा ही आएगा, फिर 3600 पे 10% और ब्याज आएगा, क्या हो गया इसको, 10% और ब्याज आएगा, तो 3600 के ऊपर 10% निकालेंगे कितना आया, 3976। क्या 3976 आंसर है? आप बोलोगे बिल्कुल सर सही है। ऐसे सॉल्व करते हैं इनको, कैलकुलेशन में मर जाओगे, वहां पर पेपर होएगा नहीं, समझो बात को, ठीक है। लो आप क्वेश्चन पेपर देखो, बहुत अच्छे लेवल का आया है। कोई धनराशि किसी चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्ष में स्वयं की दोगुनी, एक सेकंड बच्चा मैं पानी पी लेता हूं, थैंक यू सो मच। बच्चा देखिए, चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 7 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वार्षिक संयोजित ब्याज है, तो बताइए वह कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। क्या बच्चा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा जा सकता है? आप बोलोगे सर पहले जो कंडीशन दे रखी है उसमें 2 की पावर 1 है, 2 गुना हो रहा है 2 की पावर 1, वो 7 वर्ष में हो रहा है। फिर उसके बाद अपने पास ये बोला गया है कि 8 गुनी, 8 गुनी का मतलब होता है 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3 करोगे तो ये 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, पहले 7 वर्ष था ना, जो ये पावर होती है ना, जो ये पावर होती है इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, बस खत्म, 21 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। मत सीखना इसका कॉन्सेप्ट, मत सीखना इसका कोई भी चीज, सिर्फ ये ध्यान रखना कि जितना ये पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों की औसत लंबाई जो है
148.5 है, जब वह 12 विद्यार्थी जिनकी औसत लंबाई जो है 146 सेंटीमीटर है तो कक्षा छोड़ करके चले जाते हैं, तो इस कक्षा का 1.5 बढ़ जाती है लंबाई आरंभ में कितना। पहले भी ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मूला एक होता है चेंज इन टोटल डिवाइडेड बाय चेंज इन एवरेज, ये करवा चुका हूँ मैं आपको। आगे देखो समझो, 148 से कितना हो गया 146। आप बोलोगे सर 2.5 का अंतर आया, 2.5 का एक के ऊपर अंतर आया तो टोटल निकालने के लिए जितने चले गए उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चेंज आ गया। एक के अंदर कितना चेंज आया, चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज का मतलब 1.5। जब अपन पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे 3 बार इसकी 5 बार, सही है क्या, बोलो सही है, पक्का सही है, कोई दिक्कत। आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 बार 5 से करेंगे तो कितनी बार, 5 × 3 = 15, सही है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, ओ ये 5, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी शायद, एक मिनट वापस सॉल्व करूं। आप बोलोगे सर 148 146, इन दोनों का अंतर लोगे तो आपके पास एवरेज आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12, सारे के सारे का करना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद 1.5, पॉइंट से पॉइंट हटाया। आप बोलोगे सर ये 3 बार और ये हमारे पास जाएगा 5 बार, ये जाएगा हमारे पास 4 बार, तो ये जाएगा 20। 20 स्टूडेंट एट प्रेजेंट है, ये हमेशा लास्ट क्वांटिटी बताता है, फाइनल क्वांटिटी बनाता है ये फॉर्मूला। 20 स्टूडेंट एट प्रेजेंट है, उसने बोला आरंभ में, तो बच्चा 20 पहले मतलब अब हो गए, 12 छोड़ करके चले गए थे तो 12 भी तो पहले अपने ही थे, तो आप बोलोगे सर 32 स्टूडेंट टोटल थे, ऐसे ही करना है ध्यान रखना। चलो 117 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश वाले देख ले, मैं हिंदी में चलता हूं। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि ए किसी टंकी को एक तिहाई जो भाग है वो 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 40% जो है वो 8 घंटे में भर सकता है, सी पाइप खाली करने वाला है, तो बताइए जब तीनों पाइपों को 9 घंटे खोला गया तो 7/20 भाग भर जाता है, बताइए कितने समय में सी खाली करेगा। क्या बच्चा एक बात बताओ, ए जो है वो एक तिहाई भाग 6 घंटे में खाली कर रहा है तो टोटल टंकी 8 घंटे में खाली करेगा, 18 घंटे में खाली करेगा। क्या ये 40 घंटे में भर रहा है तो 40 × 100 करेंगे तो आपके पास 5, क्या 20 घंटे में बी भर देगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब आप बोलोगे सर इससे तो आपकी टंकी की क्षमता आ जाएगी, पहले टंकी की क्षमता निकाल लो। आप बोलोगे सर टंकी की क्षमता आएगी 180, यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी आई 10, यहाँ पर एफिशिएंसी आ गई 19, खत्म मतलब 9, टोटल एफिशिएंसी आनी चाहिए थी 19। क्या बोल रखा है कि जब वो तीनों को एक साथ चालू करता है तो आपका 9 घंटे चालू करता है तो 7/20 भाग बढ़ता है। बच्चा 180 का 7/20 भाग भरने का मतलब क्या 63 भाग भरना ही है क्या। आप बोलोगे हाँ सर, 63 भाग अपना 9 घंटे के 63 भाग जो है अपना कितने घंटे के अंदर, 9 घंटे के अंदर भरा है। जब 63 भाग 9 घंटे के अंदर भरा है तो प्रत्येक घंटे कितना भाग भरा होगा। आप बोलोगे सर 7 भाग भरा होगा। यार एक बात बताओ, जब ये दोनों मिल करके 19 काम कर रहे थे पर 1 घंटे में अब काम 7 हो रहा है, इसका मतलब सर सी जो है ना वो नेगेटिव काम कर रहा है, और कितना ही नेगेटिव काम कर रहा है, 12, तभी तो जाकर के ये भरने की जो क्षमता है वो 19 से जाकर के डायरेक्ट नीचे 7 हुई है। क्या बात समझ पाए। आप बोलोगे सर बिल्कुल, जब बच्चा 12 की सी की एफिशिएंसी 12 है, 180 टोटल वर्क है, एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स जो है वो 15 घंटे आ जाएगा। आप बोलोगे सर 15 घंटे आ जाएगा, हल्के क्वेश्चन नहीं है भाई, समझ लो अभी भी पढ़ लो, 5 दिन है जा करके, ठीक है ना। ऐसे मैंने टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं, वहां पर जा करके देखो, हिंदी इंग्लिश वाले देख लो बच्चा, है ना, सॉल्व कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बी और सी मिलकर के 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर के 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, ठीक है ना। ए प्लस बी जो है वो 15 दिन में इस काम को कर सकते हैं, बी प्लस सी जो है वो इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी प्लस ए जो है वो इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब बचा समझना, इसका एलसीएम अगर मैं लूंगा तो 60 मेरा एलसीएम आ जाएगा, 60 से अगर मैं करूंगा तो ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 12 5 बार, ये जाएगा आपका
6 बार। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी आई है, यहाँ पे भी बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई है, और यहाँ पर आपकी किसकी सी प्लस ए की एफिशिएंसी। यार ये आजकल दिक्कत करने लग गया है बहुत। सी प्लस ए की एफिशिएंसी आई है, आप बोलोगे ठीक है सर। अब एक बात बताओ बच्चा, जब इन सबको जोड़ लेंगे तो 2a 2b 2c आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बराबर है 15.6 के। पर आप बोलोगे सर ये 15 दिक्कत कर रहा है, 15.6 नहीं सॉरी ओनली 15। आप बोलोगे सर ये दिक्कत कर रहा है क्योंकि ये वाली जो कैलकुलेशन जाएगी ये चली जाएगी पॉइंट, अगर ये दो कॉमन लेंगे, दो को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 पॉइंटों में आएगा। मैं बोल रहा हूँ यार बात तो आपकी सही है, ये पॉइंटों में आएगा तो इसको पॉइंटों में मत लो। आप बोलोगे सर फिर क्या करें। अरे बच्चा एलसीएम का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप एलसीएम ही लो बच्चा, इसका कोई भी मल्टीपल ले सकते हो। आप 120 ले लो तो भी आंसर सही आएगा, आप 240 ले लो, 180 ले लो, कुछ भी ले लो, आपका आंसर 60 का मल्टीपल होना चाहिए। 60 का मल्टीपल आएगा तो बच्चा इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 8 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 10 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 12 आएगा, तीनों को जोड़ेंगे आपके पास आएगा 30। अब बच्चा 2a प्लस 2b प्लस 2c जो है वो 30 के बराबर आया, जब आप a प्लस बी प्लस सी की बात करोगे तो वो आएगा 15 के बराबर। अब तो बच्चा आसानी हो गई ना। अब आप बोलोगे सर a b और c की एफिशिएंसी मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ बच्चा, क्या ये a प्लस सी की a प्लस बी की एफिशिएंसी है? अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से ए बी माइनस कर देता हूँ तो आपके पास बचा हुआ क्या सी की वैल्यू आ गई क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर वेरी गुड। अब उसके बाद अगर मैं B प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस कर देता हूँ यहाँ से तो A आएगा क्या? इन दोनों को माइनस किया तो क्या A की एफिशिएंसी 5 आई? C प्लस A को माइनस कर दूंगा यहाँ से तो 12 जब माइनस करूंगा तो ये हमारी टोटल एफिशिएंसी आई सिंगल पर्टिकुलर बंदे की। आप बोलोगे बिल्कुल सर सही बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब एक बात बताओ बच्चा, इसने आगे पेपर में कंडीशन क्या दी? अभी अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो इतना ही क्वेश्चन होता, पर इसने अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए इसलिए उसने क्या बोला कि ए ने अकेले 1/4 काम, 120 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कितना होता है बच्चा? बोलो जल्दी बोलो 30। 30 काम ए ने अकेले किया है, कितने दिन में किया? एक दिन में कितना काम करता है? आप बोलोगे सर 5। एक इसने कितने दिन काम किया? आप बोलोगे सर 6 दिन काम किया। बी 3 काम एक दिन में करता है, वो बोल रहा है कि 180 120 जो काम है टोटल उसका 3/8 काम किया है, 3/8 काम किया है, इसकी एफिशिएंसी 3 है तो 3 से 3 डिवाइड हो गया, ये 120 कितनी बार जाएगा सोचो, 15 बार चला जाएगा। आप बोलोगे सर 15 दिन बी ने काम किया है, शेष काम सी ने किया है। अब बच्चा बताओ काम कितना बचा था? आप बोलोगे सर काम तो आपने निकाला ही नहीं, तो बच्चा देखो यहाँ से काम आ जाएगा 45, यहाँ से काम आ जाएगा 30, 30 प्लस 45 डे 45 काम पूरा हो गया है 75, तो जब यहाँ से 75 माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर 45 काम और बचा है, 45 काम को कौन करेगा बताओ? सी काम करेगा, तो 45/7 ये डेज आ जाएंगे, बस ये टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए जब तक अपना काम कंप्लीट हुआ। तो 16 और 15 21 प्लस इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? आप बोलोगे सर 6 सही 3/7 इसको ऐड करोगे तो 27 सही 3/7 आपका आंसर आएगा। हल्के क्वेश्चन नहीं है, पेपर का लेवल है इतना, तभी मैंने तुमको भोकाल सीरीज के अंदर मोर देन सफिशिएंट करा रखा है ताकि आपको बेसिक भी आए, लैंग्वेज भी आए, सब कुछ आए, ठीक है ना। 119 नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चा इंग्लिश वाले, फिर मैं नीचे सॉल्व कराता हूँ, देख लिया होगा। चलो थैंक यू सो मच, मैं आगे चलता हूँ। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 30% 45 किलोमीटर की चाल से चलता है, यात्रा का 45% 30 किलोमीटर की यात्रा से किलोमीटर से चाल से चलता है, यात्रा का शेष भाग x किलोमीटर की यात्रा से चलता है, पूरी यात्रा की औसत चाल 40 किलोमीटर है। मैंने ऐसे टाइप मतलब जब औसत चाल के क्वेश्चन जाकर के करा रखे हैं देख लेना, वहां पे मैंने बेसिक से भी बताया था और मैं यहाँ पर एक बार तरीका भी बता देता हूँ। देखो बच्चा तरीका सिंपल सीधा सा है, क्या बच्चा टोटल डिस्टेंस अपन मान सकते हैं? आप बोलोगे सर मान तो सकते हैं, टोटल डिस्टेंस किस तरह मानी जाती है आप बताओ मुझे बच्चा। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 30%, यहाँ पर 45%। आप सबसे पहले तो इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखो, आप बोलोगे सर 3/10 और ये लिखोगे 9/20।
इन दोनों के नीचे का एलसीएम ले लिया करो बच्चा, जिससे आपको आसानी होगी। आप बोलोगे हाँ सर, तो मैंने टोटल डिस्टेंस जो है वो 200 मान लिया एक तरीके से, एलसीएम मतलब थोड़ा सा ज्यादा ले लो जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। 200 मान ली सर, 200 मान ली, तो मेरे को एक बात बताओ कितनी कितनी डिस्टेंस कवर हुई है। आप बोलोगे सर डिस्टेंस जो कवर हुई है ना वो 200 के समथिंग, 200 ये है, 200 में 30% जो है ना वो 60 तो एक बार हुई है, 200 में 45 जो है वो 90 एक बार हुई, और बची खुची 50 इसने करी है। क्या बात समझ में आई? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आई। एक बात बताओ बच्चा, ये 200 की जो 200 जो अपन ने मान लो किलोमीटर मान लिया, अपन ने 200 किलोमीटर मान लिया, टोटल एवरेज स्पीड अगर अपने को पता चले तो आप बोलोगे सर टोटल एवरेज स्पीड तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, सही है? आप बोलोगे हाँ सर। एक बात बताओ बच्चा, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा, डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करूंगा, तो क्या 5 घंटे बराबर आने चाहिए? आप बोलोगे सर 5 घंटे आने चाहिए, सही बात है। अब बच्चा मतलब सर इसको अगर मैं स्पीड से डिवाइड करता हूं तो बराबर आपके पास 5 घंटे आने चाहिए। बस बच्चा यही मैं कह रहा था कि ये आपके पास किलोमीटर है, और डिवाइड करेंगे अगर अपन स्पीड से तो ये आएगी 45 की स्पीड। फिर उसके बाद अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितनी स्पीड आई? आप बोलोगे सर 30 की स्पीड से ये चला है, और ये मुझे पता नहीं है, पर मुझे ये पता है कि टोटल इसको 5 घंटे लगे हैं। तो डिवाइड करो बच्चा, ये तो आ गया अपने पास 3 घंटे। जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 4/3, 4/3 आएगा ना, या 3/, हाँ 4/3। ये दोनों तो सर अपने पास अगर अपन टोटल करेंगे तो 90 90, 3 3 3 9, और 13/3, 13/3 प्लस 50/x बराबर आपके पास कितना आएगा? आप बोलोगे सर 50 घंटे, ओ 5 घंटे। आप बोलो सर छोड़ो, उनको छोड़ो आप, मैं तो आपको एक ही बात बोलता हूँ कि 5 घंटे में से ये घंटे माइनस कर दो आप, बस आपका काम हो जाएगा सर, मैं गारंटी देता हूँ आपको। बस बच्चा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हुआ बोलो? 15, 15 डिवाइडेड, 15 माइनस 2, 2/3, 2/3 घंटे आए हैं इसके लिए। जब 2/3 घंटे आए हैं तो बच्चा स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 50 है, टाइम 2/3 आ गया, जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 75 किलोमीटर आंसर आएगा, जो कि हमारा फोर्थ आंसर। जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा उसको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या कर दिया क्या नहीं किया। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपने देखा होगा इस चैप्टर के अंदर लगभग लगभग 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के, इसलिए सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा इसी में ही हुआ था, ठीक है ना। चलो रिपीट करके देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। मैं मेरी तरफ से पूरा का पूरा 100% करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाया अभी तक, ठीक है ना। एक SI का छुड़वाया था, वो ईजी है, ठीक है ना, वो टफ नहीं है। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई जो है 346 मीटर है, 254 मीटर है, एक दूसरे को पार करने में 15 सेकंड लगाती है। तो बस सिंपल सीधा सा है, देखो सॉल्व करते हैं अपन। 300 इन दोनों को ऐड किया अपन ने, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 600 आएगा, 600 मीटर की तो आपके पास डिस्टेंस आई है। जब एक दूसरे को पार करते हैं तो क्या A+B हो जाती है स्पीड? आप बोलोगे हाँ सर, 600 में डिवाइड करो 15 का, तो ये जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड A+B। जब अपन एक दूसरे को विपरीत को करते हैं, मतलब एक ही दिशा में करते हैं, तो 600 डिवाइडेड बाय 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्या बात सही समझ में आई है? आप बोलोगे हाँ सर। जब अपन इसको दोनों को ऐड करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, 2A = 50 और ए बराबर आ जाएगा 25। जब एक बार आ गया 25 और दूसरा आ गया 15, मतलब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे ना 25, अब क्या तुम कमेंट करोगे फिर उसके बाद, सर ने समझाया नहीं समझाया नहीं। तो एक की तो 15 आ गई, वो 25 आ गई, एक की 15 आ गई, 25 मल्टीप्लाई बाय 10, ओ 25 मल्टीप्लाई बाय 18 बाय 5, 15 मल्टीप्लाई बाय 18 बाय 5। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 54 किलोमीटर, ये आएगा 5 90 किलोमीटर। तो 90 और 54 ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ऑप्शन में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। सॉल्व तो सही किया है बिल्कुल,
ठीक है, ऑप्शनों में मिस्टेक होगी, आपका आंसर जो है 90 और 54 ही आना चाहिए, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक होगी, पक्का 100% 90 और 54 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब 120 के 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के कंप्लीट हुए। अब मैं इजाजत चाहता हूँ, दी एग्जाम हेल्पर जीके को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ वगैरह सब यहाँ पर अपने मिलती है। दी एग्जाम हेल्पर पे आपका बहुत बहुत स्वागत था, ये भी चैनल हमारा मेन चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। 38.2 के सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।